सर गेल देखिए, GAIL। देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में काफी मूवमेंट लास्ट कुछ हफ्तों में दिखा भी है। हम लोग का टॉप रेट जो था बीपीसी और ONGC था। गेल में हमारा फोकस बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि इसने अभी भी कोई भी ऐसा बहुत ज्यादा फास्ट ट्रिगर नहीं दिखाया है जिससे हम इसको बाय करने के लिए प्रेरित हों। अगर आप इसका अगस्त मंथ का देखेंगे ये कैंडल, तो ये कैंडल बहुत ही बियरिश कैंडल था। जब एक ही हफ्ते के अंदर 99 वाला आपका 88 हो गया था, तो उसने ये शो किया कि इसमें कुछ तो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। और उसके बाद से अगर आप देखोगे तो ये एक दायरे के अंदर ही चल रहा है। द ओनली एडवांटेज इस काउंटर में है कि जब तक ये 88 के ऊपर है तब तक तो वो रेंज टू पॉजिटिव है। एक बार अगर ये 88 के नीचे चला जाता है तो ये और खराब हो जाएगा और मे बी फिर से लोअर लेवल पे जाएगा। तो अगर किसी को ट्रेडिंग लॉन्ग करना है तो यहाँ पर डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। 92.50 चल रहा है, 88 के नीचे का स्टॉप लगा है, पर ऊपर के लेवल पे 100 का जो है वो साइकोलॉजिकल हर्डल भी है और बहुत ऑप्शन राइटिंग्स भी होंगे इसके अंदर डेफिनेटली, जो अभी हमने चेक नहीं किया है, पर 100 पे होगा। तो मोटा मोटा इसका आप अभी दायरा मान के चले तो 88 से 100 का दायरा है। बाय ऑन डिप इस लेवल पे है, कीप द स्टिक स्टॉप बिलो 88 फॉर द टारगेट ऑफ 100। पर जब ये 100 से ऊपर निकलेगा तभी उसमें फ्रेश मोमेंट दिखेगा, अदरवाइज ये कंसोलिडेशन जोन नहीं रहेगा। और ब्रॉडर कंसोलिडेशन जोन जो है इसका वो आपका 85 से लेके 100-105 का रेंज है, इसी दायरे के अंदर ये घूमता रहेगा। जी तो सर ने अपनी राय दे दी है गेल के ऊपर कि किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरीके से दिख रहा है इस टाइम पे, चार्ट्स को देख के सर ने बता दिया है।